सबसे पहले आपको वो जवाब दे दूं जिसे ढूंढने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, हमारा देश खतरे में बिल्कुल नहीं है। चाहे मैं, आप या कोई तीसरा कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हमारे देश को खतरे में डालने के चांसेस उतने ही हैं जितने वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान के इंडिया को हराने के हैं, यानी 0 इंग्लिश में बोलूं तो 00। कोई भी फिल्म या टीवी शो इतना बड़ा नहीं है कि वो देश को बांट दे या फिर लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दे। हम इंसान है, कोई फूड आइटम थोड़ी है जिसको आप वेज और नॉन वेज में बांट दोगे। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जिनका काम है हर चीज को धर्म से, जात पात से जोड़ना। आप लोग एक काम करो, टीवी देखना कर दो बंद। अब डायरेक्टर के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो पर्सनली आपके घर आए फिर आपसे इजाजत लें कि मैं एक शो बनाना चाहता हूँ, बना लूँ क्या? आपको दिक्कत है तो शो को बिल्कुल मत देखो, उसके बारे में बिल्कुल बात मत करो, शो अपने आप पिट जाएगा। लेकिन नहीं, मेरी इस बात के लिए मुझे हजार तरीके के गंदे कॉमेंट्स आएंगे जिनसे मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में नेटफ्लिक्स ने खतरों से खेलने का काम किया है और एक नई वेब सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है लैला। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में दो चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, पहला क्रिकेट और दूसरी पॉलिटिक्स। चलो क्रिकेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है, लेकिन राजनीति में थोड़ी सी ऊंच नीच हुई नहीं कि आपकी बोरी बिस्तर सब कुछ देश से सीधे बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन नेटफ्लिक्स तो अपनी आदत से मजबूर है, आदत अपने हर शो में नमक मिर्च के साथ थोड़ा मसाला डालने की। लेकिन इस बार तो नेटफ्लिक्स ने सारी हदें ही पार कर दी हैं। इस बार नमक मिर्च तो भूल जाइए, शायद किचन में जितने भी मसाले होते हैं उनका पूरा पैकेट एक ही शो में खाली कर दिया गया है। नहीं मतलब ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें आदत है चटपटा खाने की, लेकिन एक ही सब्जी में 10-15 मसाले डाल दोगे तो पेट तो खराब हो जाएगा ना यार। कुछ ऐसा ही हुआ है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लैला के साथ। नेटफ्लिक्स के फालतू के मसाले की वजह से लोगों के पेट के साथ साथ दिमाग भी पूरी तरह खराब हो चुका है और इस वेब सीरीज को बैन करने की बातें सामने आने लगी है। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये हिंदू फोबिक है और जानबूझकर हिंदू धर्म के लोगों को राक्षस की तरह दिखा रही है। अब कमाल की बात ये है, जो लोग पूरा शो बैन करने की बात कर रहे हैं उन्होंने इस शो के 6 एपिसोड में से एक एपिसोड का आधा सेकंड भी नहीं देखा, लेकिन शो बैन होना चाहिए। अब आपको एक कमाल की बात बताऊं, इस शो का थीम है डिस्टोपियन फ्यूचर, यानी एक ऐसी दुनिया दिखाना जिसमें सिर्फ गलत चीजें होती हैं। मतलब एक तरीके से आप इसको नर्क की दुनिया बोल सकते हैं। अब ऐसे शो में आपको मन की बात तो सुनने को मिलेगी नहीं, इसमें आपको देखने को मिलेगा अत्याचार, बंटवारा, गुंडागर्दी और घटियापंती। जब शो की थीम ऐसी है तो आपको उसमें उन्नति, प्रगति या अच्छाई तो देखने को मिलेगी नहीं, ये बात तो कॉमन सेंस की है। लेकिन आजकल नया फैशन बन गया है, जब भी हम कोई फिल्म या वेब सीरीज देखते हैं तो अपना दिमाग निकाल कर बाहर रख देते हैं। हमें फिल्म की कहानी से या फिर एक्टिंग से मतलब नहीं है, वो सब गया तेल लेने, हमें चाहिए बस देशभक्ति और बन गई फिल्म सुपरहिट। लैला की कहानी स्टार्ट होती है 2047 में, यानी इंडिया की आजादी के 100 साल बाद। लेकिन इस पूरे वेब सीरीज में इंडिया का नाम एक भी बार नहीं लिया गया। इस वेब सीरीज में जिस देश की बात की गई है उसका नाम है आर्यवर्त। इस देश के कानून थोड़े अलग और भयानक हैं, जैसे कि यहाँ शहरों में ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिसके एक तरफ अमीर रहते हैं और दूसरे तरफ गरीब, जिनको दूष बोला जाता है। अमीरों का हवा पानी एकदम साफ सुथरा है, वहीं दूष का पानी कीचड़ से भी ज्यादा काला और गंदा है। हवा की तो आप बात ही मत करिए, लोग अपने मुंह पे मास्क लगाने के लिए मजबूर हैं। अमीरों के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग और चमकदार रोड्स हैं, वहीं दूष के लिए रोड्स के नाम पे कूड़े के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिस पे चलना उनकी मजबूरी है। आर्यवर्त में महात्मा गांधी के आदर्श नहीं चलते, आर्यवर्त के लिए सबसे पूजनीय इंसान है जोशी जी। इनका एजेंडा है पूरे आर्यवर्त में सिर्फ एक धर्म को आगे लेकर जाना और बाकी सबको बाहर फेंक देना। बचपन में बच्चों को जोशी जी की कॉमिक्स पढ़ाई जाती हैं जिसमें वो एक गाय को बचाने के लिए ट्रेन के आगे तक कूद जाते हैं। जगह जगह पे जोशी जी की मूर्तियां लगी हुई हैं, उनके बहादुरी के किस्से आप टीवी पे या फिर उनके भक्तों से पूरे दिन सुन सकते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो ये जो नरक की दुनिया हमें दिखाई गई है इसके राजा है जोशी जी। इनके खिलाफ बोलना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। नहीं मुझे मत घूरो, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस वो बोल रही हूँ जो शो में दिखाया गया है, शब्द उनके हैं, मैं तो बस बोल रही हूँ। अब आप आर्यवर्त की सोच को थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। इनकी माने तो अगर दो अलग धर्म के लोग आपस में शादी करते हैं तो वो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं और ये आर्यवर्त के कानून के खिलाफ है। ऐसी औरतों को पकड़ लिया जाता है और आदमियों को जान से मार दिया जाता है। रही बात बच्चे की तो इनको एक नए नाम से बुलाया जाता है, मिश्रित यानी मिक्स ब्रीड। आगे इनके साथ क्या होता है वो आप शो में देख लेना। सीरीज की लीड कैरेक्टर है शालिनी यानी हुमा कुरेशी। इनकी गलती ये है कि उन्होंने हिंदू होते हुए एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। बस इसी बात पे इनके घर पे आर्यवर्त वाले हमला कर देते हैं और इनको किडनैप कर लेते हैं। इनको एक आश्रम ले जाया जाता है जहाँ पे इनको शुद्ध करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इंग्लिश में बोलूं तो प्यूरिफिकेशन। इस आश्रम को चलाते हैं गुरुमा नाम के कैरेक्टर जो आर्यवर्त के कट्टर सपोर्टर हैं और पूरी दुनिया में उसका झंडा फहराना चाहते हैं। इस आश्रम में औरतों पर हर तरीके के जुल्म किए जाते हैं, ऐसे काम जिनके बारे में सोचकर आपकी आत्मा अंदर से कांप उठेगी। कभी उनको नशे की गोलियां दी जाती हैं तो कभी गंदे पानी में नहलाया जाता है और
और कभी उनको किसी आदमी के जूठे खाने को अपने शरीर पे लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। पूरे वेब सीरीज में शालिनी का सिर्फ एक गोल है, अपनी बेटी लैला को ढूंढने का, जिसको जबरदस्ती उससे दूर कर दिया गया था। आर्यवर्त जैसे देश में जहाँ पे औरतों को खुलकर हंसने बोलने की भी आजादी नहीं है, उसमें एक औरत पूरे सिस्टम के खिलाफ जाकर अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देती है। लैला का फर्स्ट एपिसोड देखने में इतना डिस्टर्बिंग है कि आप इसे देखने के बाद भगवान से दुआ करोगे कि मुझे ऐसे फ्यूचर में बिल्कुल नहीं जाना, इससे पहले मुझे अपने पास बुला लेना। मतलब दिमाग में इतना डर और गंदगी बैठ जाएगी कि उसे भूल पाना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। इसके बाद बाकी के 5 एपिसोड एकदम फालतू हैं, जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। अगर सीरीज को सिर्फ एक एपिसोड में बनाया जाता तो इसका लोगों पर कुछ असर जरूर पड़ता। जबरदस्ती इसको खींच के लंबा कर दिया गया, जो कहानी को एकदम कछुए की तरह स्लो कर देता है। देखिए, कुछ बातें जो शो में दिखाई गई हैं वो एकदम सटीक हैं, जैसे कि पानी की दिक्कत। शो में एक सीन है जहाँ पे पानी का ATM लगा हुआ है, आप उसमें पैसे डालिए, बदले में आपको पानी का पाउच मिलेगा। एक दूसरा सीन जहाँ पे बारिश के टाइम बादल से काला पानी बरस रहा है और बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, जिसके बीच लोग रहने पे मजबूर हैं। जिस तरह से आज हमारे देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये सारी बातें आगे आने वाले टाइम में सच होने वाली हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रही बात पानी के ATM की, तो यार आप देख सकते हो कि आजकल पानी की दिक्कत खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे में कुछ सालों बाद अगर आपको पानी के लिए मोटे पैसे चुकाने पड़े तो इसमें झटके लगने वाली कोई बात नहीं है। हुमा कुरेशी ने शो में काफी अच्छी एक्टिंग की है, उनके कैरेक्टर को उनसे अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उनका एक्सप्रेशन देख लो या फिर उनका सिंपल लुक, दोनों शो के लिए एकदम परफेक्ट बैठते हैं। उनका रोल काफी चैलेंजिंग है, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि आप एक सेकेंड के लिए भी उनसे अपना ध्यान नहीं हटा सकते। ये तो हो गई अच्छी बातें, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इस शो में काफी सारी घटिया बातों से शो का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे कि एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने को आप कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अब भले ही आपने शो के स्टार्टिंग में बड़ा सा डिस्क्लेमर डाल दिया हो कि ये शो काल्पनिक है, लेकिन हम इतने भी मूर्ख नहीं है कि काला और सफेद में अंतर ना कर पाए। अगर आपको पॉलिटिकल शो बनाना है तो दोनों साइड्स दिखाओ ना यार, किसी एक ग्रुप को टारगेट करना और दूसरे को एकदम बख्श देना ये तो ठीक बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि आज के टाइम में ऐसी सीरीज बनाने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि लोग सच से थोड़ा घबराते हैं और झूठ को आंख बंद करके अपना लेते हैं, लेकिन हिम्मत का कुछ रिजल्ट तो निकलना चाहिए। अब आप एक झूठी कहानी को सच के सामने लाकर खड़ा करना चाहते हो तो पहले उसको इतना मजबूत तो कर लो कि लोग उसे सुनने के लिए आगे आए। अब आप फालतू का प्रोपोगंडा लोगों के सामने रखोगे तो सॉरी बॉस, नेटफ्लिक्स की दुकान बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। तो यार कम शब्दों में बोलूं तो इस शो का इंट्रो सेक्रेट गेम जैसा है, लेकिन इसकी कहानी का लेबल सेक्रेट गेम के आसपास भी नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हो, आपका टाइम बहुत कीमती है, ऐसे में अपने 6 घंटे इस शो के ऊपर खर्च करना शायद आपकी जिंदगी की काफी बड़ी गलती बन सकती है। मेरी तरफ से लैला वेब सीरीज को 5 में से 2.5 स्टार, 1 स्टार हुमा कुरेशी की पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार पानी और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को एकदम सटीक तरीके से दिखाने के लिए, 0.5 स्टार शो के नेगेटिव कैरेक्टर के लिए, जिनको देखकर आपको थोड़ा सा डर जरूर लगता है। बाकी खुश रहो, मुस्कुराते रहो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।